नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पैसों के लिए हर आदमी के साथ टपाटप करती है और इसी बीच में वह एक बुढ़े आदमी से प्यार कर बैठती है। अब वो बुढ़ा उसके साथ क्या क्या करेगा, हम आगे देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, आज हम यंग एंड ब्यूटीफुल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जो 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम इसाबेल को अपने भाई विक्टर के साथ देखते हैं। वो उसे बताता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढते हुए घर तक आया था। यह सुन इसाबेल कहती है, तुम इस बारे में मॉम को मत बताना। अब इसाबेल घर पहुंचती है तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम चाहो तो आज रात तुम अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पर बुला सकती हो। दरअसल उसकी मॉम को अफेयर के बारे में पहले से ही पता चल गया था। इसाबेल कहती है उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा डंप है, इसलिए वो उसे डिनर पर नहीं बुलाना चाहती। इसके बाद इसाबेल अपने बॉयफ्रेंड से मिलने बीच पर चली जाती है, जिसका नाम फिलिस था। वो इसाबेल को रात को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अब रात को पार्टी में फिलिस और इसाबेल दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और फिलिस जमीन पर ही इसाबेल के साथ फिजिकल हो जाता है। इसाबेल का पहली बार था, इसलिए वह थोड़ा नर्वस हो जाती है, पर उसे मज़ा बहुत आया था। कुछ दिन बाद छुट्टियाँ खत्म होने पर वह वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसे फिलिस दिखता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद इसाबेल एक होटल में जाती है जहां उसे एक बुढ़ा आदमी मिलता है जिसका नाम जोय था। असल में इसाबेल बुढ़े को पैसा कमाने का जरिया समझती थी, इसलिए वह इंटीमेट होती है और पैसे लेकर चली जाती है। अब इस काम की इसाबेल को लत लग गई थी, इसलिए अब वह साइट पर कस्टमर ढूंढने लगती है। एक बार इसाबेल एक आदमी से टपाटप करती है पर वो उसे पूरे पैसे नहीं देता है। इसाबेल पूरे पैसे मांगती है तो वो आदमी कहता है, और पैसे मांगे तो मैं ये सब तुम्हारी मॉम को बता दूंगा। यह सुन इसाबेल उदास हो जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं इसाबेल उस बुढ़े आदमी को देखती है, जिसे देख उसके मन में उस बुढ़े आदमी के प्रति फीलिंग पैदा हो जाती है। अब वो जॉर्ज से मिलने जाती है और वो दोनों टपाटप करते हैं। अब वो दोनों रोज़ रोज़ मज़े करने लगते हैं। एक बार इंटीमेट होते वक्त जॉर्ज ज़्यादा टपाटप कर लेता है और जिसकी वजह से वो मर जाता है। ये देख इसाबेल घबरा जाती है और वॉशरूम जाती है तो कुछ टैबलेट देखती है। दरअसल जॉर्ज के पावर का राज यही टैबलेट थी, पर इसी टैबलेट के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई थी। अब इसाबेल वहाँ से भाग जाती है। अब पुलिस इसाबेल के घर आती है और वो उसकी मॉम को इसाबेल के काम के बारे में बता देती है। उसकी मॉम यकीन नहीं करती है। तब पुलिस उसे अलग अलग होटल की CCTV फुटेज दिखाती है। ये देख उसकी मॉम सैड हो जाती है। पुलिस बताती है इसाबेल 17 साल की है, इसलिए उसे कोई सजा नहीं होगी। अब छानबीन से पता लगता है कि इसाबेल लैपटॉप से क्लाइंट ढूंढती थी और इसाबेल के कमाए पैसे पुलिस के हाथ लगते हैं। अब इसाबेल घर आती है तो उसकी मॉम उससे बहुत सारे सवाल करती है, पर इसाबेल कोई जवाब नहीं देती है और उसकी मॉम उसकी पिटाई करना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद इसाबेल बदल जाती है और अपने फैमिली फ्रेंड के घर जाती है और उसके बच्चों को संभालने का काम करती है। अब वो वापस आती है तो वो लेडी उसे घर छोड़ने जाती है क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। फिर इसाबेल एक थेरेपिस्ट के पास जाती है तो वो पूछता है, तुमने लोगों के साथ सोना क्यों बंद कर दिया? तो वो बताती है उसे एक जॉय नाम के आदमी से प्यार हो गया था और बताती है कि इंटीमेट होते समय उसकी मौत हो गई और तब से उसे इस काम से घिन आने लगी है। अब कुछ दिन बीतते हैं और इसाबेल अपने क्लासमेट एलेक्स के साथ रिलेशन बनाती है, पर उसे उसके साथ मज़ा नहीं आता था और वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। अब एक दिन इसाबेल अपना पुराना सिम ऑन करती है तो उसे बहुत से क्लाइंट के मैसेज मिलते हैं, जिसमें से एक मैसेज जॉर्ज की वाइफ एलिस का था। वो उसे मिलने के लिए उसे ही होटल में बुलाती है। अब वो होटल में पहुँचती है तो जॉर्ज की वाइफ से माफ़ी मांगती है। एलिस कहती है जॉर्ज एक अच्छा इंसान था। इसके बाद एलिस इसाबेल को उसी रूम में ले जाती है और दोनों बेड पर लेट जाते हैं। अब एलिस इसाबेल को उसी तरह छूती है जैसे जॉर्ज उसे छुआ करता था। अब इसाबेल सो जाती है और उठने पर वह अपने आप को अकेला महसूस करती है और यहीं पर हमारी मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।